और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर वेनेजुएला के राजनीतिक संकट में मध्यस्थता करेंगे। वेनेजुएला में इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष में सत्ता संघर्ष चल रहा है, इसकी वजह से वेनेजुएला में अस्थिरता आ गई है। अब श्री श्री रविशंकर को संकट सुलझाने का जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि श्री श्री रविशंकर ऐसे मिशन में पहले भी योगदान देते रहे हैं। अयोध्या विवाद में भी श्री श्री रविशंकर वक्त वक्त पर मध्यस्थता की कोशिश करते रहे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कटमनी को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हंगामा इतना बढ़ गया है कि हथियारों के साथ पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है। बीरभूम का इलाका जंग का मैदान सा लगने लगा है। हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस वाले हथियार के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। बंगाल में कटमनी का मामला लगातार गर्मा रहा है, जिसको लेकर देखिए पूरे इलाके में, बीरभूम का ये इलाका है जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में कटमनी को लेकर भिड़ गए और इसको लेकर इस पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। इसी वजह से पूरे इलाके को छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। हर इलाके में आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घट सके। चुनाव के बाद से ही, इनफैक्ट चुनाव के पहले से ही लगातार यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस तरह का माहौल है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, बमबाजी हो रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।